इंडस्ट्री में इस समय शादियों की बहार आई है। हाल ही में अभिनेता राजकुमार राव और पत्रलेखा की शादी ने जहां सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, वहीं गॉसिप गलियारों में एक और खबर ने सनसनी मचा दी है। यह खबर सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की, जिनकी तीसरी शादी के चर्चे सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से हो रही है। अभिनेता आमिर खान ने अगस्त 2021 में अपनी दूसरी बीवी किरण राव से तलाक लिया था। तभी से अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं आमिर खान का तीसरी शादी करने का कोई इरादा तो नहीं है। ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही थी कि उनके साथ दंगल में काम कर चुकी अभिनेत्री फातिमा सना शेख से वो तीसरा निकाह रचा सकती हैं। वहीं अब सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा हो रही है कि आमिर खान तीसरी शादी करने की प्लानिंग में है और अभिनेता जल्द ही तीसरी शादी के बंधन में बंधते हुए नजर आएंगे। दावा किया जा रहा है कि आमिर खान शादी का ऐलान अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के बाद करेंगे। ये फिल्म अगले साल अप्रैल में रिलीज होगी। इसी वजह से माना जा रहा है कि आमिर अगले साल अप्रैल में अपनी शादी की जानकारी फैंस को दे सकते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि अभिनेता अपनी फिल्म को लेकर किसी तरह का विवाद नहीं चाहते हैं। इतना ही नहीं, गॉसिप के माने तो आमिर खान अपनी किसी को स्टार के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे। आमिर खान और किरण राव के अचानक हुए तलाक के बाद सोशल मीडिया पर अभिनेत्री फातिमा सना शेख काफी ट्रोल हुई थी। फातिमा आमिर खान के साथ फिल्म दंगल और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में नजर आई थी। ऐसी अफवाह उड़ी थी कि आमिर खान और फातिमा सना शेख रिश्ते में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।